समाजवादी शिवपाल सिंह यादव न जाने कैसी राजनीति कर रहे हैं कि उनकी जुबान से बार बार बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। कुछ ही समय पहले शिवपाल एक चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करते देखे गए थे और अब वह बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कानूनी झमेले में फंस गए हैं। बदायूं के बसपा जिलाध्यक्ष ने सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बहन जी मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई थी, जिसके बाद बसपा जिलाध्यक्ष आरपी त्यागी की ओर से शिवपाल के विरुद्ध बदायूं के सिविल लाइन थाने में जानबूझकर अपमान करने और सामाजिक उपद्रव फैलाने वाला वक्तव्य देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। शिवपाल के बयान से हर तरफ बसपा कार्यकर्ता भारी गुस्से में है। बसपा जिलाध्यक्ष रामप्रकाश त्यागी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो क्लिप देखी थी, जिसमें शिवपाल यादव बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग करने से बसपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पनप गया है। बसपा जिलाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेकर बदायूं पुलिस से लिखित में शिकायत कर कार्यवाही की मांग उठाई थी। पुलिस की जांच में शिवपाल के बयान का सच भी सामने आ गया तो उनके खिलाफ तुरंत ही सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बदायूं बसपा जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिवपाल यादव के बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग भी उठाई है। सीओसीटी बदायूं आलोक मिश्रा ने मीडिया को बताया है कि बसपा जिलाध्यक्ष की ओर से मिले शिकायती पत्र की प्राथमिक जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है। तथ्यों के आधार पर अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी यहां पहले से अपने 2 उम्मीदवार बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पहले सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था और बाद में दूसरी सूची जारी कर धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को प्रत्याशी बना दिया गया था। इसके बाद एक और उलटफेर सामने आया था, जिसमें सपा ने शिवपाल यादव की जगह बदायूं सीट से उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट थमा दिया था। आदित्य भी सोशल मीडिया में खासे सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। गर्लफ्रेंड की टोली के साथ अपनी पुरानी हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने से आदित्य यादव की खासी किरकिरी हुई है। बदायूं में 7 मई को मतदान होना है। भाजपा से बदायूं में ब्रज क्षेत्र भाजपा संगठन अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाह के प्रत्याशी हैं, जो सैफई परिवार के आदित्य यादव के मुकाबले न सिर्फ बदायूं का लोकल चेहरा हैं, बल्कि जिले की राजनीतिक नब्ज भी बखूबी समझते हैं। बसपा ने यहाँ से मुस्लिम समाज के कद्दावर चेहरा पूर्व विधायक मुस्लिम खां को टिकट दे रखी है। खबर चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट।